मैं छोटा था तो एक साहब बद्रवा से आए थे, अब्दुर्रहमान दीवाना उनका नाम था। तो ये ख़त्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये मिसरे उन्होंने आज से 15-20 साल पहले वालिद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की हाज़िरी में सुनाए, तो वो आप हज़रात को पेश कर रहा हूँ कि नबी अब ना आएंगे जुल्ली बरोजी, नारंगे सुरख नारंगे फिरोजी, नबूवत का दावा करेगा जो मौजी, ये रंग होंगे उसके कमाने के रोजी। न खत्मे नबूवत पे हो जिसका ईमा, न खत्मे नबूवत पे हो जिसका ईमा, है फासिक व फाजिर मुजस्सम शैतान। आज आप हजरात से गुफ्तगू करने का मकसद जंगे आजादी के दौरान हमारे मुल्क में कादियानियत के नाम से जो फितना मिर्जा गुलाम कादियानी मरदूद ने शुरू किया, उसके पस मंजर की बात आपको बताना चाहता हूं। मसला तो सबको वाज़ेही है, जो खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला है वो तो पूरी उम्मत के सामने और तमाम गैर मुस्लिमों के सामने भी वाज़ेह है कि अल्लाह और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत ही मुसलमान करते हैं। इसके अलावा कोई जितने मर्जी लिबास बदल के आ जाए, क़यामत आ सकती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह नऊज़ुबिल्लाह कोई नबी नहीं आ सकता। मसला तो वाज़ेह है, लेकिन अंग्रेज के इस पिट्ठू ने, अंग्रेज के इन टोडियों ने यह किया क्यों? पस मंजर क्या है, वजह क्या है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नऊज बिल्ला उनके बाद अपने आप को नबी बनाने की वजह क्या है? हर एक चीज का कुछ पस मंजर होता है, पीछे कुछ वजूहात होती हैं, हर एक साजिश का कुछ खाका तैयार किया जाता है और उसका कुछ निशाना होता है कि इस साजिश को तकमील पर ले जाना है तो हम क्या हासिल करेंगे। तो कादियानियत का क्या क्या साजिश का खाका है? अगर उस खाके को देखना होगा तो हमें प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम शान तारीख पर नजर दौड़ानी होगी। दुनिया का कायदा है, नकली सामान मार्केट में उन्हीं कंपनियों का बिकता है जो कंपनी बड़ी होती है, जो मशहूर होती है। नकली लेबल उसी फर्म का कपड़े पे लगता है जिसका कपड़ा महंगा बिकता है। नकली लोगो उसी का बनाया जाता है जिसका लोगों का सिक्का चलता है। और अगर नकली ना बनाना हो, बंदे ने खुद अपना बनाना हो, तो अपना नाम ही रख ले, चाहे कोई पूछता हो चाहे ना पूछता हो। नकली लोगो लगाने का मतलब, नकली चीज तैयार करने का मतलब, नकली नबी तैयार करने का मतलब कि वो जो असली कंपनी है वो इतनी ताकतवर है, वो जो असल हैं वो इतने बुलंद मर्तबे पर हैं, वो जो असल हैं अल्लाह ने उनको ऐसी शान अता फरमाई कि उनके मुकाबले में तो कोई आ ही नहीं सकता। तो अब उनके मुकाबले में लाने के लिए क्या चीज तैयार की कि कोई नकली आइटम बना ले, तो कम अज कम थोड़ी बहुत हमारी भी पूछ मार्केट के अंदर हो जाए। अब ये नकली बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? नकली काम भी दो तरह के लोग करते हैं। एक तरह के वो लोग होते हैं जिनका मकसद होता है दौलत कमाना, वो कोई नकली लोगो तैयार करते हैं, कोई बड़ी कंपनी का सामान बिक रहा हो उसी जैसा सामान बना के उस लोगो पे लगा के फटाफट बेचते हैं ताकि हम ज्यादा पैसे कमाएं। और कुछ वो लोग होते हैं जो उस कंपनी के मुखालिफ होते हैं, वो चाहते हैं कि इनके जैसा नकली माल बाजार में आए ताकि असल कंपनी को घाटा पड़ जाए। नकली लोगों की भी दो वजूहात है पीछे। तो ये बात तो सारे कर रहे हैं कि भाई कादियानी जो है इस्लाम के दुश्मन है, इस्लाम के नहीं वो इस जमीन के दुश्मन है जिसको भारत वंश का नाम दिया गया, इस रूए जमीन के दुश्मन है वो। इनका पस मंजर क्या है, चाहते क्या है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में नऊज बिल्ला झूठी नबूवत क्यों बनाई गई? नकली चेहरा पहनने की क्यों जरूरत महसूस हुई? क्यों नऊज बिल्ला अपने आप को अल्लाह का नबी बना के पेश करना पड़ा? अगर इनमें खुद कोई क्वालिटी होती तो क्या कोई अपना अलग से मिशन न शुरू करके दिखाते कि हम फला मजहब के मानने वाले? लेकिन इनका मकसद अगर देखना है तो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को पढ़ना होगा।
मैं मुख्तसर बताता हूं। नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, तन्हा थे, तन्हा। और एक तरफ पूरे मुशरिकीन मक्का हैं सारे के सारे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा हैं। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलना शुरू किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह चलते हैं। कभी अबू जहल आता है टकराने के लिए, कभी उतबा आता है, कभी वलीद आता है, कभी परवेज आता है, कभी कैसरो किसरा आते हैं, कभी बरतानिया की हुकूमतें आती, कभी शाह फ्रांस आता है। पता ये लगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन ने मक्के से जो पेशकदमी शुरू की थी वो तो पूरी दुनिया में फैल गई, और जितने आज तक सामने आए उनको जमीन के अंदर मिट्टी चाटनी पड़ी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने कोई टिका नहीं है। जब वो दीन चंद सालों में आलमी दीन का दर्जा हासिल कर गया और चंद सौ सालों में पूरी दुनिया के अंदर पहुंच गया, जब जहां से सूरज निकलता है वहां अजान हो रही अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और शाम को जहां सूरज डूबता है वहां भी अजान हो रही अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो जो मद्दे मुकाबिल थे उस दौर के अंदर उनके पेट में जबरदस्त दर्द हुआ कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, जो हम कहते थे कि अरब का दीन है, जो हम कहते थे कि इनको बात करने का ढंग नहीं, नऊज़ बिल्लाह, हम कहते थे कि इस मुल्क के लोगों को चलने फिरने का तरीका नहीं, इनको खाने की तमीज नहीं, ये कैसे रसूल आ गए इनके दरमियान कि इनका दीन आज पूरी दुनिया का बेहतरीन दीन बन गया। तो जो बड़े बड़े उस दौर में लोग थे उनके पेट में दर्द हो गया। साजिशें की गई इस्लाम के खिलाफ, और साजिशों की इब्तिदा कब की, जिस दिन रसूलुल्लाह ने हिजरत के लिए जाना था, नऊज़ बिल्लाह कुफारे मक्का रसूलुल्लाह के दरवाजे के बाहर खड़े हैं कत्ल करने के लिए, और उस वक्त से साजिशें शुरू की गई। वो साजिशें चलती हुई मदीना मुनव्वरा पहुंची, यहूद नसारा की शक्ल में सामने आई, बदर में आई, ओहद के अंदर आई, खंदक के अंदर आई, फिर जहां से चलती हुई मैदान करबला के अंदर पहुंच गई, करबला के बाद फिर यरमूक के मैदान में पहुंची, यरमूक से फिर ताशकंद बुखारा तक पहुंची। साजिशें पीछे पीछे चलती रही, परचम इस्लाम आगे आगे बढ़ता रहा, कोई साजिश इस्लाम के पैरों में जंजीर नहीं डाल सकी, कोई साजिश इस्लाम के पैरों में जंजीर नहीं डाल सकी। तो फिर जब पूरी दुनिया में खूबसूरत तहजीब, खूबसूरत तमद्दुन, खूबसूरत बातें, खूबसूरत दीन, खूबसूरत मसाजिद, खूबसूरत लोग जिनका लबो लहजा मीठा था, जो हर एक गरीब और अमीर को एक साथ लेके चलने लगे, जिनके अंदर छुआछूत नहीं थी, जो बराबरी के आलमबरदार हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर गरीबों के मसीहा बनकर आए, जिन्होंने गैरों को अपना समझा, जिन्होंने हर गिरते हुए को छाती के साथ लगाया, जिनको आज दुनिया मुसलमान के नाम से जानती है, जब ये पूरी दुनिया में पहुंचे तो मध्य मुकाबिल के पेट में जबरदस्त दर्द हुआ कि इस दीन को रोका कैसे जाएगा, इस्लाम को रोका कैसे जाएगा, ये मुसलमानों में से दीन की स्प्रिट कैसे खत्म की जाए। तो फिर उन्होंने इसी मजहब के अंदर कई लोगों को समझाना शुरू किया कि तुम तो बड़े आला दर्जे के हो, तुम्हारी बात कुछ अलग होनी चाहिए, ठीक है तुम रसूलुल्लाह को मानते हो, तुम्हारा तो लबो लहजा बहुत अच्छा है और तुम्हारी तो तस्दीक बड़ी अच्छी है, तुम तो बहुत बढ़िया बनते हो। तो फिर यहां पर नए नए लोग इस्लाम का परचम लेके ही आगे बढ़े, किसी ने अपने आप को हंबली कहा, किसी ने अपने आप को शाफी कहा, किसी अपने आप को सुन्नी कहा, किसी ने अपने आप को देवबंदी कहा, किसी ने अपने आप को तबलीगी कहा, लेकिन दुश्मन का मकसद इस्लाम की कश्ती को रोकना था, दुश्मन का मकसद मुसलमानों की पेशकदमी को रोकना था। लेकिन अब जो फिरके बनाए गए, हर एक फिरका दूसरे से आगे जाने के चक्कर में इस्लाम के परचम को और जब आगे ले गया तो दुश्मन को फिर सर पकड़ के बैठना पड़ा कि अब क्या किया जाए। कहा है ना कि इख्तलाफ उम्मत जो होता है वो सिराते मुस्तकीम होता है, अगर अल्लाह वालों में इख्तलाफ हो जाए तो कौन सा रास्ता होता है, वो भी अल्लाह का रास्ता होता है, क्योंकि हर एक अल्लाह का बंदा चाहता है कि मैं सही रास्ते से अल्लाह के दीन तक पहुंचूं। फिर जितने मसलक बने, जितने फिरके बने, उन सब ने क्या मकसद पकड़ लिया, हर एक ने चाहा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का ज्यादा वफादार कहलाऊं, मैं इस्लाम का ज्यादा आलमबरदार बन जाऊं, मैं ज्यादा मसाजिद कायम करने वाला बनूं, मेरे लबो लहजे में, मेरे किरदार में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सामने आनी चाहिए। तो दुश्मन सर पकड़ के बैठ गया कि इनको फिरकों में इसलिए बांटा था कि इस्लाम की कश्ती रुक जाएगी, ये तो पहले से ज्यादा तेज हो। तो फिर मलका एलिजाबेथ फर्स्ट ने, ये जो अब रानी है, इसकी दादी ने
एक मीटिंग बुलाई, उसमें अपने मजहब के सारे बड़े बड़े दानिश्वर बुलाए। उसने कहा कि हम इस बात से परेशान हैं कि इस्लाम और मुसलमान जो हैं ये आगे कैसे बढ़ रहे हैं, और ये मीटिंग 1857 की जंग आज़ादी, जो इस देश की पहली आज़ादी की लड़ाई है, जिसमें हमने कुर्बानी दी, जिसमें हमने खून दिया, जिसमें हमने शहादतें दी हैं अंग्रेज को इस मुल्क से निकालने के लिए, जब अंग्रेज के पसीने छूट गए उस लड़ाई में, तो फिर एक मीटिंग बुलाई इंग्लैंड में बाकायदा। उन्होंने कहा कि ये काम करके बताओ, इस बात की रिसर्च करो कि ये जो मुसलमान हैं, हमने इनको बरादरियों में बांटा है, फिरकों में बांटा है, उसके बावजूद ये इस्लाम से पीछे नहीं हटते, उसके बावजूद ये अपने देश की आजादी से पीछे नहीं हटते, इनको पावर कहां से मिलती? ये रोशनी चल रही है ना, बल्ब चल रहे हैं, अभी कहीं स्पार्किंग हो जाए तो आप सबके दिल में क्या बात आएगी कि मेन स्विच ढूंढो, उसको बंद करें ताकि ये रोशनी बंद हो जाए, हाथ सटल जाए, कोई बात हो जाए, घर में भी बिजली खराब हो जाए तो क्या ढूंढता है बंदा? मिस्त्री ढूंढता है पहले? नहीं, पहले वो पावर प्लग तलाश करता है, ये जहां से सप्लाई आ रही है अगर उसको बंद कर दें, अगर पावर सप्लाई रोक दी जाए तो फिर ये आगे की सारी चाक चौबंद ये रोशनियां ये अंधेरे के अंदर तब्दील हो जाएंगी। तो उस मीटिंग में बकायदा, ये जिस लहजे में मैं आपको बता रहा हूं, इसी लहजे में बकायदा इंग्लैंड की जमीन के ऊपर बैठ के दारुल आदम जो उनका पार्लियामेंट है, उसमें बकायदा इस बात के ऊपर गुफ्तगू हुई कि ये मुसलमानों को ताकत कहां से मिलती है, इनके अंदर जो स्प्रिट है ये कहां से आई, हम इतना इनको मार चुके हैं, फांसी के फंदों पर इनको लटकाया है, इनके घरों को जला दिया गया, इनकी मसाजिद को बर्बाद कर दिया गया, उसके बावजूद ये बार बार अपने मुल्क के लिए अपने दीन के लिए उठ के आ जाते हैं, ये इनको ये जज्बा दिया किसने? अब जब वो मीटिंग हुई तो अलग अलग लोगों की ड्यूटी लगाई कि पता करो ये जज्बा आता कहां से। तो उन्होंने बड़ी सिर खपाई की कई साल, लेकिन दुश्मन को पता लग गया कि हमारा मेन पावर सप्लाई कहां से आती, दुश्मन को पता लग गई, दुश्मन ने हमारी मेन पावर सप्लाई का बिल्कुल मरकज ढूंढ लिया। कई साल की रिसर्च के बाद उनको यह बात समझ में आ गई कि यह इस्लाम चलता कहां से है। वो तो यह समझते थे कि यह इस्लाम मस्जिद से चलता है, जब रिसर्च की पता लगा मस्जिद से नहीं चलता, मस्जिद इस्लाम से चलती, इस्लाम मस्जिद से नहीं चलता। रिसर्च में बार बार सोचते रहे कि शायद कुरान पाक की वजह से इस्लाम चल रहा है, उनका नहीं नहीं इस्लाम की वजह से कुरान पाक की अहमियत है, तो कुरान की वजह से इस्लाम नहीं चल रहा, इस्लाम तो किसी और बहुत अहमियत वाली चीज से चल रहा है जिसके ऊपर कुरान का भी दारोमदार टिका हुआ है, कुरान पाक का दारोमदार टिका हुआ है उसके ऊपर। और हम तो समझे थे कि अजानें हो रही हैं, शायद इसलिए बार बार मुसलमानों के अंदर जज्बा बेदार होता, कहते नहीं अजान नहीं, अजान की वजह से इनके अंदर वो जज्बा नहीं आया है। रिसर्च करते करते मक्का उनके सामने आ गया, उन्होंने कहा हां ये वो जगह है, ये वो जगह है जहां से मुसलमानों को पावर मिल रही है, सप्लाई मिल रही है। जब रिसर्च की तो पता लगा कि मेन पावर सप्लाई यहां भी नहीं, मक्का मुकर्रमा का दारो मदार जिसके ऊपर है, मक्का मुकर्रमा की सनद जिसके ऊपर कायम है, वो यहां भी नहीं है। वो मैं आपको देसी जुबान में आम अंदाजे से इसलिए समझाता हूं ताकि खोपड़ी में बात पड़ जाए कि दुश्मन ने कैसे तलाश किया कि हमारी सप्लाई कहां से आ रही है। आखिर जब बहुत जोर लगाया ये रिपोर्ट मलका एलिजाबेथ के सामने पेश की गई कि पूरी दुनिया के मुसलमान, चाहे वो नमाजी हैं या गैर नमाजी, चाहे वो बदकिरदार हैं या आला किरदार के, चाहे वो सच बोलने वाले हैं या बेनमाजी हैं, चाहे जैसे कैसे भी हैं, कहते पूरी दुनिया के मुसलमानों को मस्जिद से बढ़कर, कुरान से बढ़कर, बैतुल्ला से बढ़कर, पूरी कायनात में रूह जमीन में सबसे ज्यादा बढ़कर अगर किसी से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत है तो वह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। पता लगी सप्लाई कहां से आ रही है? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया था अपने सहाबा को, फरमाया जानते हो
कि अफजल मुसलमान कौन से हैं। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात। रसूलल्लाह मुस्कुराए, फरमाया वो तो अल्लाह के मुंतखब बंदे, मैं तुमसे पूछता हूँ अफजल कौन से। साहबा ने फिर उम्मत जुटाई, फरमाया या रसूलल्लाह हम लोग जो आपके साहबी हैं। वो फरमाया तुम तो अफजल हो ही, मेरे पीछे नमाज पढ़ते हो, मेरे हाथ पर बैत की, मैं तो ये पूछता हूँ कि अफजल मुसलमान कौन से होंगे। साहबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह आप बेहतर जानते हैं, आप बताएं। तो काली कमली वाले ने कहा था, फरमाया मेरे साहबा जो लोग अबू बकर को जिन्होंने नहीं देखा होगा, जिन्होंने उमर को नहीं देखा होगा, जिन्होंने उस्मान बिन उरैन की ज़ियारत नहीं की होगी, जिन्होंने शेर खुदा अली मुर्तजा को नहीं देखा होगा रज़ियल्लाहु तआला अजमईन, जिन्होंने खालिद बिन वलीद की शुजाअत नहीं देखी होगी, जिन्होंने अबू बैदा बिन जर्राह को नहीं देखा होगा, हदीस का मुहम्मद फरमाया मेरे साहबा जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को मुझको नहीं देखा होगा, लेकिन जब मेरे नाम पे इज्जत की बात आ जाएगी तो मेरे लिए अपनी जान दे दिया करेंगे वो लोग, वो सबसे अफजल तरीन मुसलमान है। क्या नहीं सारी दुनिया के मुसलमान अफजल भाई? तो यह बात पता लग गई अंग्रेजों को 1857 के बाद कि अगर हिंदुस्तान की, मेरे दादा रईसुल एरार मौलाना विरमल लुधियानवी फरमाया करते थे कि हिंदुस्तान में खत्म नबूवत का मसला मजहबी नहीं सियासी है, और आप भी कान खोल के सुन लो, इस मुल्क के हुक्मरान भी सुन ले, कल भी कादियानियत का मसला सियासी था, आज भी कादियानियत का मसला सियासी है। अंग्रेजों ने इस फितने को इसलिए शुरू किया कि बहादुर शाह जफर के ऐलान के बाद पूरे देश के मुसलमान उठे अंग्रेज के खिलाफ, फिर भीम जी और तैयब जी ने जब कांग्रेस की स्थापना की तो पूरे देश के मुसलमान और हिंदू और सिख और दलितों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जो मिशन शुरू किया, अंग्रेज घबरा गए कि मुसलमानों को जंग आजादी से कैसे अलग कर दें, मुसलमानों को कैसे अलग करें, अगर यह कौम कम से कम पीछे हट जाए तो हम 100 साल और राज करेंगे। तो उन्होंने गद्दार ढूंढा जो था ही मुनाफिक। जब कर्बला के मैदान से मिट्टी उड़ी थी उसका खमीर आके गिर गया कादियान में, वहां से वो मुनाफिक पैदा हुआ जिसको मिर्जा गुलाम कादियानी कहते हैं। अंग्रेजों ने बता दिया कि अगर मुसलमानों के लॉ एंड ऑर्डर को तब्दील करना है, मुसलमानों के जज्बे को अगर बदलना है, मुसलमानों का मेन सप्लाई को अगर बंद करना है, तो उन्होंने कहा कि नऊज बिल्लाह ये तो है ही मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह नऊज बिल्लाह कोई नया नबी लाओगे तो ये नऊज बिल्लाह उनको छोड़ के जब नए को मानेंगे और नया जब हमारा अपना होगा तो जो चाहेंगे इस्लाम में वो कर लेंगे। पल्ले पैर ये बात के नहीं कि कादियानियत का पस मंजर क्या है। झूठा नबी इसलिए बनाया गया कि नऊज बिल्ला मुसलमान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दें, और जब नए नबी को मानेंगे तो नया नबी जो कहेगा, क्योंकि नया नबी अंग्रेज का गुलाम है, अंग्रेज का टोटी है, अंग्रेज के घोड़ों की लीद चाटता है और बार बार ऐलान करता है कि जिहाद हराम है, बार बार ऐलान करता है कि अंग्रेजों के हक में बोलते रहो, बार बार यह कहता है कि मैंने इतनी किताबें मलका एलिजाबेथ के हिमायत में लिख दी कि 10 अलमारियां भर जाएं। जब ऐसे आदमी को अंग्रेजों ने कहा कि नऊज़ुबिल्लाह नबी बनाएंगे फिर तो मुसलमान वापिस चले जाएंगे, तो उन्होंने इसमें भी 2 थ्योरियां अपनाई। उन्होंने कहा 2 बातें होंगी, या तो मुसलमान नऊज़ुबिल्लाह इस नए नबी को मानेंगे जंग आजादी से पीछे हटेंगे, नहीं मानेंगे तब भी जंग आजादी से पीछे हटेंगे। तो किसी प्रोफेसर ने पूछा था वो कैसे हटेंगे, कहने लगा अगर कोई बंदा बाहर जंग लड़ने गया हो या कारोबार करने गया हो या पढ़ने के लिए गया हो, अगर उसे पता लग जाए कि मेरे घर में आग लग गई तो क्या वो पहले कारोबार करेगा या पहले दुश्मन से लड़ेगा कि पहले अपने घर की आग को बुझाएगा। अंग्रेजों ने इस थ्योरी को अपनाया। जब 1882 में मिर्जा गुलाम कादियानी ने नबूवत का ऐलान किया, हैरान रह गए पूरे देश में मुसलमान। मौलाना शाह मोहम्मद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह जो मेरे परदादा के परदादा हैं, अंग्रेजों ने उस दौर में मिर्जा गुलाम कादियानियों को सिपाहियों की फौज दी थी कि कोई आदमी इसके खिलाफ बोले नहीं, और 1857 की जंग आजादी नाकाम हुई थी, इतने मौलवियों का कत्ल किया गया था और इतने नौजवानों को फांसी दी गई थी कि लोग अंग्रेजों के खिलाफ बोलते हुए डरते थे। उस दौर में जब मिर्जा गुलाम कादियानी ने झूठी नबूवत का ऐलान किया तो पूरी दुनिया में सबसे पहले मौलाना शाह मोहम्मद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने खड़े होकर इसी लुधियाना की जमीन के ऊपर उसके खिलाफ फतवा जारी करते हुए फरमाया कि तुम ये मत समझो कि अंग्रेज तुम्हारे साथ हैं, तुम ये ना समझो जो तख्त पर बैठा हुआ है वो आज तुम्हारे हक में है। मुसलमानों ने हमेशा सच कहा और हुक्मरानों की परवाह नहीं की, और आज भी सच कहते हैं कि तुम मुर्तद हो, तुम्हारा इस्लाम के साथ कोई लेना देना नहीं है, इस्लाम से तुम्हें आज से खारिज समझा जाता है।
लेकिन मिर्जा कादियानी का क्या मकसद था? वो भी यही चाहता था कि मुसलमान देश की जंग आज़ादी से पीछे हटके मेरे खिलाफ लग जाएं। अंग्रेज का ये टोडी अपने उस मकसद में कामयाब रहा। मुजाहिदीन आज़ादी की मुखबरियां करते रहे, अंग्रेज के हक में इश्तिहार डालते रहे। उससे नुकसान ये हुआ कि जो बड़े बड़े मुसलमानों के लीडर जंग आज़ादी में पहले लड़ रहे थे, वो लोगों को इस बताने के अंदर लग गए कि कादियानियों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। इधर अंग्रेज को भारत पर कब्जा करने के लिए जो टाइम चाहिए था वो और बढ़ गया आगे। मुल्क तो उसी वक्त आजाद हो जाता 1890 में, मुल्क की आजादी तो तैयार थी, लेकिन अंग्रेजों के साथ मिलकर कादियानियों ने जो साजिश रची, मुल्क और 60 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। तो ये ना समझा करें कि कादियानियत का मसला बड़ा मजहबी मसला है। मजहबी नहीं, ये कल भी हमारे देश के गद्दार थे, आज भी हमारे मुल्क के गद्दार हैं। और मैं सोशल मीडिया के जरिए सारे मीडिया को बताना चाहता हूं, और कुछ उन फिरका परस दोस्तों को भी जिनको ये तलाश करना होता है कि मुसलमानों का दुश्मन कौन है। हमारी मुखालफत में, हम तो आपके सियासी मुखालिफ है ना, हमारी मुखालफत में मुल्क के गद्दारों से हाथ ना मिलाओ। उठाओ इनका चट्ठा। सन 1947 से लेकर आज 2001 तक मुल्क के अंदर कितने बड़े बड़े दहशतगर्दों के हमले हुए, कादियानी उसके अंदर शामिल रहे। खास कादियान के अंदर से इनके मुबल्लिक आतंकी जो है गिरफ्तार हुए, उनके सबूत हमने बार बार हुकूमत को दिए। और अगर कोई ये समझता है कि मैं मुसलमानों का सियासी मुखालिफ हूं और ये मुसलमानों के मुखालिफ हैं, मैं इनका साथ दूंगा, साथ देने से पहले ये सोच लेना तुमने हमारे सियासी मुखालिफ का साथ नहीं देना, इस देश के गद्दार का साथ देना है। और कोई भी भारत का बंदा, कोई भी भारत वंश में पैदा होने वाला आदमी आपस के अंदर सियासी मुखालिफ तो हो सकता है, पार्टियां तो अलग अलग हो सकती हैं, कोई कांग्रेसी हो, कोई भाजपाई हो, कोई अकाली दल में हो, कोई आम आदमी पार्टी में हो, लेकिन देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए कोई भी अलग नहीं है। तो कादियानियों की हिमायत करने वाले अफसरान या लीडरान इस बात को तय कर ले कि उन्होंने गद्दारों का साथ देना है या फिर देशभक्तों का साथ देना है। वो उनके साथ खड़े होंगे जिन्हों की नस्लों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, या उनके पलड़े के अंदर खड़े होंगे जो सारी जिंदगी अंग्रेजों के साथ मिलकर इस मुल्क के खिलाफ साजिश करते रहे, जिनके घर से आज भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं, कि आप उनके साथ खड़े होंगे। इस बात को समझ लें, मुसलमानों ने समझा हुआ अच्छी तरह। हमारे पास कोई पहाड़ ले आए सोने का, मैं नहीं, किसी आम मुसलमान के पास ही, जो बेनमाजी हो, बदकिरदार हो, चाहे शराबी हो, अगर कोई उसको भी आके नौज़बिल्लाह ये कहे ना कि ये सोने का पहाड़ ले ले और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ दे, तो मैं दावे से कहता हूं कि एक मुसलमान भी कायनात के अंदर आपको ऐसा नहीं। इस बात के ऊपर एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, फिर गुफ्तगू खत्म करूंगा। आज असल में मैं सफ़र में था, बस अभी आया, आप हजरात की मोहब्बत में मैंने सोचा कि आज का जुमा भी खाली ना छोड़ा जाए। सागर खयामी एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है, शराब बहुत पीता था, लाहौर के एक कैफे में बैठे हुए थे, दो कम्युनिस्ट बैठे हुए थे साथ में जो खुदा को नहीं मानते, दो तीन और लोग बैठे हुए थे। अब वो जो कम्युनिस्ट है, जब उन्होंने देखा भी सागर ने अच्छी तरह शराब पी ली है, तो उसने लेलन की बात की कि वो जो था सही नहीं था, ऐसा था, तो सागर ने उसकी लेलन की बेइंतहा, अपने उस दौर का बादशाह था, बेइंतहा बुराइयां की। फिर उसने हिटलर की बात की, उसने हिटलर की भी बुराई करनी शुरू कर दी सागर खयामी ने, नशे में था। उसने करते करते ज़ारे रूस की बात की, रूस का जो सबसे बड़ा बादशाह था, तो सागर खयामी ने रूस की जब ज़ार की बात हुई तो उसके खिलाफ भी बात करने लगा। उसने वायसराय के खिलाफ बात की तो वायसराय के खिलाफ भी बात करने लगा। जब उस कम्युनिस्ट ने देखा कि मैं जिसकी गुफ्तगू करता हूं ये हर एक के खिलाफ उसको बुरी बुरी गालियां देता है, तो बात करते करते अचानक उसने कहा कि क्या तुम्हारा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या ख्याल है? तारीख दानों ने यह बात लिखी है, सफ़े हस्ती पर तहरीर की गई कि सागर ने वो गिलास जो उसके हाथ में था या बोतल जो भी था, वो इतनी ताकत से उस कम्युनिस्ट के सिर पर मारी और खून निकलने लगा और सागर रोने लगा। और फरमाया, तू क्या समझता है कि एक मुसलमान नशे की हालत में भी अपने रसूलुल्लाह की शान में बेअदबी कर देगा? हम रूए जमीन में किसी हद तक उतर सकते हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेवफाई नहीं कर सकते।
हमारी जान, हमारा माल, हमारी इज्जतें, हमारी मस्जिदें, ये बैतुल्लाह, ये कुरान, ये तब तक है जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिब नबी। सैयदना बिलाल अज़लत ने किया ना, बैतुल्लाह की छत पर जब चढ़े, रसूलल्लाह ने कहा अजान दो, फरमाया मैंने सोचा काबा किधर गया, फिर जहां सोने रसूल बैतुल्लाह में खड़े उस तरफ मुंह करके अजान दी और मुसलमानों को बताया कि काबे का अगर कोई काबा है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो याद रखें हमेशा, अभी एक नालायक गधा मौलवी आया था मेरे पास पिछले महीने कर्नाटक से, तो उसने मुझे कहा कि आपसे मिलके कादियान घूमने जा रहा हूं। तो ऐसे बंदे भी बदबख्त हैं जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से जर्रा बराबर भी। इमाम अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि गली का कुत्ता भी हमसे बेहतर है, अगर हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताजे खत्मे नबूवत की हिफाजत ना कर सके तो गली का कुत्ता भी हमसे बेहतर है। और अगर किसी के दिल में नौजबिल्ला ये ख्याल आ जाए कि शायद बात कर लें, इनकी भी सुन लें, तो वो भी ईमान से खारिज है। इमाम अबू हनीफा को पूछा था शैतान ने कि अल्लाह को कितनी दलीलें, अल्लाह को एक मानने की 99 दलीलें दी, और फिर उसने पूछा तुम किस दलील से अल्लाह को एक मानते हो, फरमाया मैं बिना दलील के अपने रब को अपना रब मानता हूं, और कादियानियत के खिलाफ 1,00,000 दलाइल मौजूद हैं, लेकिन याद रखो हर एक मुसलमान बिना दलील के अपने रसूल को अपना रसूल मानता है, हमें किसी दलील की जरूरत नहीं। इसलिए याद रखें इस बात को कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन हमने पकड़ा है तभी मस्जिद है, तभी आज़ान है, तभी कुरान है, तभी तवाफ है, तभी बैतुल्लाह है। अगर रसूलुल्लाह का दामन हाथ में नहीं तो फिर कुछ भी हमारे पल्ले नहीं। दुआ किया कीजिए जब तक जिंदगी है अल्लाह इस दामन को हमारे हाथ में रखे इंशाल्लाह। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह।